नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूं अग्नि तत्व के बारे में। आपके घर का अग्नि तत्व, आपके शरीर का अग्नि तत्व, आपके जीवन में काम आने वाली वो ऊर्जा जो आपको बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है, आपके शरीर को, आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखती है, आपके मन को अच्छा रखती है, आपके अंदर उत्साह रखती है, आपको नए अवसरों से जोड़ देती है, आपको पैसे का कारक भी बनाती है, ये सभी चीजें आपके घर में किस चीज से रिप्रेजेंट होती हैं और कौन सी दिशा इसको दिखाती है और कैसे आप अपनी रसोई में होने वाली 5 मुख्य गलतियां बार बार करते हो और फिर अग्नि तत्व आपका बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपके जीवन में अनेकानेक समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अग्नि तत्व की दिशा की। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो दिशा है वो मूल रूप से अग्नि कोण, जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, वो पाया जाता है दक्षिणी पूर्व। लेकिन आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो इसकी 3 दिशाएं निकल के आती हैं। कोणीय विभाजन विधि यानी कि एंगुलर डिवीजन मेथड, 16 दिशाएं जब हम देखते हैं तो एक आती है साउथ ईस्ट, फिर आती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ। ये तीनों दिशाएं किस तरीके से आपके जीवन में देखने को मिलती हैं? सबसे पहले इसको समझने के लिए एक दिए की लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। एक जो दिया होता है या एक मोमबत्ती है, उसकी जो लो है वो किस तरीके से आपके जीवन को रिप्रेजेंट करती है या उसमें आपको अपना जीवन कैसे दिखाई देता है। सबसे पहले इसको मान लेते हैं अग्नि कोण, जैसे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जैसे ही आपने दिए में अग्नि प्रज्वलित करी, लगते ही जो सबसे पहले तेज अग्नि है जो किसी भी चीज को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, किसी के जीवन में आग लगा सकती है, हर एक ऐसा काम जो कहीं से उत्पन्न होता है वो दिखाई देता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। उसके बाद की जो अग्नि आती है वो कॉन्फिडेंस वाली अग्नि, मतलब वो बलवान है लेकिन उसको सहयोग चाहिए, आपके कर्मों का सहयोग, आपके मन का सहयोग, हर चीज का सहयोग उसको आपके जीवन में चाहिए ही चाहिए, ताकि उसके ऊपर और नीचे सपोर्ट रहेगा, सहयोग रहेगा, तो वो बलवान रह सके। वो है हमारी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की अग्नि। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी अग्नि जो आपको चमकता हुआ दिखाती है, सबसे दूर दृष्ट, जो आपको फेमस करती है। तो 3 दिशाएं, अगर इन 3 दिशाओं में गड़बड़ हो जाती है तो या तो आपका नाम बिगड़ जाएगा जो साउथ की अग्नि तत्व है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस, आपका बल बिगड़ जाएगा अगर वो साउथ साउथ ईस्ट का अग्नि कोण बिगड़ा है, और या फिर आपका मेन इंपॉर्टेंट तत्व, अग्नि तत्व, जो कैश फ्लो, रिप्रेजेंटेशन, उत्साह या किसी भी चीज को जन्म देने के लिए कारक है, वो बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं अग्नि तत्व के मूल स्वरूप, जो आपके घर में सबसे पहला मूल स्वरूप है, जिसको हम बोलते हैं रसोई घर, किचन या रसोई घर। जब भी आप एक ऐसे घर में रहते हो जिसमें किचन गलत है, रसोई घर गलत है, तो सीधा असर आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पर पड़ता है। हेल्थ और वेल्थ का मतलब क्या हुआ? अगर रसोई घर में 5 में से पहली गलती, अगर वहां पर काला पत्थर है, चाहे वो कोई भी दिशा हो, अगर वहां काला पत्थर है तो वो आपको कैश फ्लो से रिलेटेड, मतलब लिक्विडिटी से रिलेटेड, या आम जीवन में इस्तेमाल होने वाला कैश या आपके घर पे रहने वाला कैश, उससे संबंधित दिक्कतें जरूर देगा, एक्सीडेंट्स देगा, घर में कलेश देगा, कलह देगा और आपस में लड़ाइयां भी दर्शाता है। दूसरी गलती, जब भी आपकी किचन ईस्ट साउथ ईस्ट में होगी, लोग साउथ ईस्ट के साथ में ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा जो ऊपर लगी होती है, पूर्व मुखी करने के चक्कर में यहां पर अपना बर्नर लगा देते हैं, जो कि हेल्थ इश्यूज का एक बहुत 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 बड़ा कारण बन सकता है। नंबर 3, अमूमन होने वाली गलती, नीचे अगर किचन है और उसके ऊपर अगर बेडरूम बन जाए, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या दिखाता है। उसके बाद आता है किचन के साथ में बना हुआ वॉशरूम, या जहां पर आपका चूल्हा लगा हुआ है बिल्कुल उसी वॉल पर वॉशरूम की सीट लगा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, जो कि बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके की गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। और 5वां, अपनी किचन में होने वाला
ग्रेनाइट का इस्तेमाल, ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। हर चीज की रेमेडी हम देखते हैं, सबसे पहले हमने ये समझा कि अग्नि कोण क्या है, अग्नि क्या चीज होती है, वो कौन सी दिशाओं से देखी जाती है। तो सबसे पहले अग्नि कोण में काला रंग किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर काला रंग है तो उसको हटाकर ऑफ वाइट कलर करवा दीजिए। जो मैंने आपको साउथ ईस्ट कहा, साउथ साउथ ईस्ट कहा या साउथ कहा, वहां पर काला रंग नहीं होना चाहिए। वहां पर आपकी टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, अगर वहां पर टॉयलेट सीट है तो उसके चारों तरफ एक लाल रंग की टेप वहां पर लगा दीजिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। उसके बाद इसी तत्वों में नीला रंग भी अगर है, सफेद रंग अगर है, वो भी आपको बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। तो अग्नि तत्व बिगड़ने का एक पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है अगर यही अग्नि तत्व उठकर दूसरी दिशा में चला जाए, मतलब आपका जो रसोई घर है ये आ गया आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, या कोई ऐसी डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन को अग्नि तत्व को बिल्कुल अलाउ नहीं करती। हालांकि वैसे तो किसी में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ अनन्नी और एन्नी में है तो ये बहुत ज्यादा समस्या का कारक बन सकता है। उसके सिवा कहीं पर भी है तो उसके उपाय किए जा सकते हैं। अगर यहां पर है तो आपको हरे रंग का पत्थर लगाकर उसको सही कर देना है, नहीं तो आपको अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने आपको पांच वास्तु दोष बताए, कि अगर आपकी किचन में काले रंग का पत्थर लगा है और अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में यानी कि अग्नि कोण में भी है, उसको हरा या भूरा कर दीजिए। अगर वो उत्तर से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक आती है तो वहां पर भी हरा रंग ही चलेगा, और अगर वो दक्षिण से लेकर नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा तक आती है तो वहां पर आपको सिर्फ पीले रंग का पत्थर का ही इस्तेमाल करना होगा या करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका बर्नर है तो हरे रंग का पत्थर का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने बर्नर को उठाकर साउथ ईस्ट दिशा में शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद बात आती है अगर टॉयलेट और बर्नर एक साथ एक दिशा में है तो इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके से इस वॉल को चेंज कर लीजिए। नहीं कर सकते, दोनों जो जिस वॉल के सहारे से खड़े हैं उसके बीच में कोई प्लाईवुड या कोई प्लास्टिक ऐसी चीज को बीच में लगा दीजिए जिससे उनकी आपस की एनर्जीज एक दूसरे से मिलन ना खाती हो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद ग्रेनाइट का इस्तेमाल आप अपने किचन में कभी भी ना करें। ग्रेनाइट की जगह कोई भी और पत्थर जिसमें क्रिस्टल्स ना हो, इस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना आए। अग्नि तत्व अगर आपके जीवन में बिगड़ जाता है तो वह आपको बहुत सारी समस्याएं देता है। ऐसी समस्याएं जो सबसे मूल रूप से इंसान को परेशान कर सकती हैं, हेल्थ वेल्थ और साथ में हैप्पीनेस। अगर आपके घर का जल तत्व और अग्नि तत्व मूल रूप से बैलेंस्ड है तो एटलीस्ट आप हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस से हमेशा सही रह सकते हो। आपको इनमें गलतियां बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल भी नहीं करनी। कुछ कुछ आसान आसान से उपाय मैंने आपको बताए, इनको करके आप अपने जीवन के अग्नि तत्व को खूब अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।